नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल लव्यांश ऑटो सेंटर। लव्यांश ऑटो सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास गैरेज में आया है होंडा एक्टिवा 4G। इसमें सेल्फ दबाने पर एक अजीब अलग सी आवाज़ आ रही है दोस्तों। चलिए मैं जल्दी से आवाज़ आपको सुना देता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तभी पता चल पाएगा आपको वो आवाज़। चलिए मैं आवाज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, वो आवाज़ आ रही है एक अलग सी। चलिए एक बार फिर सुना देता हूँ दोस्तों आपको। ये आवाज़ दोस्तों क्रैंकशाफ्ट जब बेंड हो जाता है हल्का सा, तभी ये आवाज़ आता है दोस्तों। अन्यथा सेल्फ के से कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ये आवाज़ क्रैंकशाफ्ट बेंड होने की वजह से आती है। तो हमको ये 8 नंबर के 8 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने कवर खोल लिया है और आप देख पा रहे हैं ये क्रैंकशाफ्ट है। मैं आपको घुमाकर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये किस तरह से क्रैंकशाफ्ट बेंड हो चुका है। शायद कैमरे में आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, ये क्रैंकशाफ्ट बेंड हो चुका है दोस्तों, आप देखिएगा। देखिए ये अप डाउन चल रहा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे हो रहा है दोस्तों। तो इसे किस तरीके से ठीक करना है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इसमें दोस्तों हल्का सा चोट मारने की ज़रूरत है हमें एक्सेल और हथौड़ी की मदद से। इस तरीके से आप लगाएं और इसे ऊपर से चोट मारना है। चोट ज़्यादा जोर का नहीं होना चाहिए दोस्तों, हल्की सी होनी चाहिए। चलिए मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट कुछ सीधा हो चुका है। एकदम सीधा तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छे से चाहिए सीधा तो इंजन खोलना पड़ेगा दोस्तों। क्रैंकशाफ्ट लेथ वाले को देने पड़ेगी, वो मशीन से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसे अब लगाकर आपको दिखाता हूँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। तो आपको सुना देता हूँ दोस्तों, आवाज़ पूरी तरीके से चली गई। चलिए आप आवाज़ सुन लीजिए एक बार। एक बार फिर सुना देता हूँ। दोस्तों, आवाज़ पूरी तरीके से चली गई है। तो अगर यह मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।